एसेंस, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज की क्लास में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि यूनिट सेल क्या है, एक कोष्टिका क्या है और उसके टाइप्स हमने नहीं बताया था। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन से आप लोग पढ़ते जाएंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। हमने यूनिट सेल के बारे में बता दिया था कि यूनिट सेल क्या होता है, कि यूनिट सेल किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई होती है जिसका बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो यानी कि यूनिट सेल एक क्या था आपको, सूक्ष्मतम इकाई था एक क्रिस्टल लैटिस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला में है आद्य एकक सेल, जिसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव एकक सेल, और दूसरा में है केंद्रित सेल, जिसको हम कह सकते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी कि यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, आद्य एकक सेल और केंद्रित एकक सेल। आद्य एकक सेल को इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव एकक सेल। प्रिमिटिव यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि दो प्रकार के हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी आप याद कर लीजिए कि यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको बोलेंगे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम सीखते हैं कि आद्य एकक सेल क्या है, यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे कि आद्य एकक सेल हिंदी नेम है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इंग्लिश नेम है, कि जब अव्ययी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक सेल, आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, सेल को हम लोग हिंदी में कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके बुक में कोष्ठिका लिखा होगा और इंग्लिश में सेल लिखा होगा। ठीक है, तो आद्य एकक सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल जब अव्ययी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखेंगे इसका फिगर क्या है। जैसे मान लिए कि ये आपको यूनिट सेल है, ठीक है, हमने फिगर बनाकर समझा देता हूँ। ये आपका फिगर बनेगा एक क्यूब का, ठीक है, एक क्यूब का फिगर बन गया और कह रहा है कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर, क्या इसके प्रत्येक कोना पर, कोना कितना है, आठ कोना है, आठ कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, एक एक एटम प्रेजेंट है, एक एक परमाणु, एक एक कण उपस्थित है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होना चाहिए, और इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, इसी को शॉर्ट में बुलाता है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं SCC। ठीक है, SCC, यानी आद्य एकक सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक सेल बात क्या है, बराबर है। तो सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि SCC क्या होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं, जिसको बोलते हैं आद्य एकक सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा था सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या, केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रित एकक सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका। यहाँ पर कह रहा है कि जब अव्ययी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने के अलावा अन्य जगह पर भी उपस्थित रहते हैं उसे केंद्रित एकक सेल कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के सेल में कोने पर तो रहेगा, ठीक है, कॉर्नर पर तो एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा, उसके अलावा अन्य जगहों पर भी उपस्थित रह सकते हैं, उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम फिगर बनाकर आपको दिखा देते हैं कैसे बनेगा सेंटर्ड। चूँकि फिगर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन
जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है। इसको प्रेजेंट तो कई तरह से किया सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ये आपका यूनिट सेल बन गया एक। अब कह रहा है कि सिर्फ कोने पर नहीं, कोने पर तो रहेगा एक एक एटम, एक एक एटम तो कोना पर भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कभी फेस पर भी हो सकता है एक बॉडी के अंदर बीच में हो सकता है फेस के बीच में हो। तो इस तरह से कंडीशन कई आ सकते हैं, हो सकता है कि सबके फेस पर भी हो सकता है कि आपके बॉडी में हो। तो इस तरह आपको ये प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, तीन प्रकार के होता है, ठीक है। यानी कि सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं उसमें आपको एक एक फिगर बनाकर दिखाया जाएगा। चले यहाँ पर देखेंगे सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटर्ड क्यूबिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल तीन प्रकार के, जिसमें पहले का नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में बोलते हैं पिंड केंद्रित सेल या पिंड केंद्रित कोशिका। दूसरा में है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित सेल या फलक केंद्रित कोशिका। तीसरा में है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्रित सेल या अंध केंद्रित कोशिका, ठीक है। तो याद रख लेंगे तीन तरह के होते हैं, कौन से, सेंटर्ड क्यूबिक सेल तीन प्रकार के होते हैं। पहले का नाम क्या है, बॉडी सेंटर, दूसरे का नाम है फेस सेंटर, तीसरे का नाम है इंड सेंटर। और यह ध्यान देंगे शॉर्ट में इसको हम लोग बॉडी को शॉर्ट में BCC कहते हैं, ठीक है। फेस को शॉर्ट में हम लोग FCC कहते हैं, ठीक है। और इंड को शॉर्ट में हम लोग ECC कहते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। तो BCC तीन प्रकार के हो गया, BCC, FCC और ECC तीन प्रकार के हो गया। तो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे फिगर के साथ, डिफिनेशन के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे।